वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपने चैनल से सब तो पहला सारियां जियां जी। तो अज की जिहड़ी वीडियो अपनी राग तीजा गा जिहड़ा राग गौड़ी उहदे नाल संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिहड़ी कि आम किताबां दे विच नहीं मिलेगी। तकरीबन जिन्ना कि तुसीं पढ़िया होया उहदे विच सानूं इह पता कि तीजा राग है। तो इस राग दे अधीन जिहड़ी जिहड़ी वाणी आउंदी आ आपां उहदे बारे गल करांगे। तो सब तो पहला सवाल ही इत्थे बन जांदा कि सब तो वध जिहड़ी वाणी आ उह राग गौड़ी दे विच रची गई है। एक सवाल का जवाब इत्थे ही बन गया, सब तो वध वाणी आ जिहड़ी उह राग गौड़ी दे विच रची गई है। तो इहदे विच साडे कोले गुरु नानक साहिब, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जन साहिब, इन्हां दा जिहड़ा वाणी रची गई है गुरु साहिबान दे विचों, ते नाल गुरु तेग बहादुर जी भाव पहले तीजे चौथे पंजवें ते नौवें गुरु साहिबान, पंज गुरु साहिबान जी दे विच वाणी मिलदी है। तो उस तो इलावा भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, इन्हां दे समेत आपां अगे गल करांगे इन्हां दी किन्नियां किन्नियां मतलब कि रचना बारे, वह भी गल करांगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग नंबर 151 तो लैके 346 तक राग गौड़ी दर्ज है जी। तो बाकी इहदे विच जिहड़ा होर जिहड़ी जरूरी गल साडे लई इह आ कि इहदे विच जिहड़ी भी महत्वपूर्ण सब तो महत्वपूर्ण वाणी दा असीं इत्थे गल कर सकदे हां कि गुरु अर्जन साहिब जी दी सुखमणी है जिहड़ी सुखमणी साहिब, वह भी याद रखियो सुखमणी साहिब आ। तो वह 262 तो लैके 296 तक, तो पंजवें गुरु साहिबान दी आपां जिहड़ी बावन अखरी की गल आ वह भी करांगे। पहले आपां गुरु साहिबान बावन अखरी की गल चलो दसीए पहले कि 250 तो 262 याद रखना सौखा रहेगा तुहाडे लई। जिहड़े पंजवें गुरु साहिबान ने गुरु अर्जन साहिब जी दी बावन अखरी आ पहला गी 250 तो 262, तो सुखमणी साहब 262 तो 296, ये दोवें गल्लां याद रख लेना नाल दी नाल। फिर गुरु नानक साहब जी के चौपदे दुपदे ने दे विच 151 तो 157 तक, फिर तीजे गुरु साहब जी के इकले चौपदे ने जिहड़े 157 तो लैके 163 तक, चौथे गुरु साहिबान के जिहड़े फिर अपने कोले चौपदे ने जी 163 तो 175 तक, पंजवें गुरु साहिबान के चौपदे ते दुपदे ने 175 तो लैके 218 अंग तक। तो इहदे विच होर भी बहुत जरूरी है जिहड़ी साडे कोले गल, नौवें गुरु साहिब दे जिहड़ा महला नौवें दे विच एक अंग 219 तो 220 तक वाणी शामिल आ गुरु नौवें गुरु साहिबान दी। उस तो बाद जे असीं गल करिए जिवें पंजवें साहिब गुरु साहिब की गल की है, बावन अखरी 250 तो 262 तक है, तो भगत कबीर जी की जी बावन अखरी वह भी याद रखनी आ 340 तो लैके 343 तक। इत्थे सवाल ये दो चार निकल के आते हैं कि भगत कबीर जी ने जी बावन अखरी वह भी गौड़ी राग के लिखी आ, तो गुरु अर्जन साहब जी ने बावन अखरी वह भी गौड़ी राग के लिखी है। गुरु अर्जन साहब वाली जी अपने को बावन अखरी आ 252 तो 262 तक आ, तो कबीर जी वाली जी बावन अखरी आ 340 तो लैके 343 तक। तो पंजवें गुरु साहिबान की जी स्थिति है वह 296 तो लैके 300 तक आ, तो भगत कबीर जी ने स्थिति लिखी है वाणी लिखी है वह 343 तो लैके 344 तक है। ये गलू भी ध्यान दे विच रखना गा बहुत जरूरी है। उस तो बाद करहले जी करहले बाणी है वो याद रखनी है तुसीं, 234 तो 235 तक, 234 तो लैके 235 तक। तकरीबन पता तो होगा कि किहड़े गुरु साहिबान की बाणी है, जरूर तुसीं टिप्पणी करके दसना गा। जिहड़ी करहले गौड़ी राग दे विच रचे गए ने 234 अंग तो 235 अंग तक, वह किहड़े गुरु साहिबान दे ने तुसीं जरूर दसना, एक इन्ना कोई सवाल तुहाडे लई बनदा गा। उस तो इलावा होर जिहड़ी जरूरी जानकारी इहदे विच साडे कोल है, तो आप गल कर ही चुके हैं भगत कबीर, भगत रविदास, भगत नामदेव जी की बाणी की गल, जिहड़े तिने गुरु साह तिने भगत साहिबान की बाणी है, जे असीं इन्हां दी गल करिए तां उह साडे कोले 330 अंग तो लैके 346 अंग तक। ये गल्लां भी तुसीं याद रखना बहुत जरूरी है इम्तिहान के पक्ष तों।
उस तो इलावा होर ये जिनी क जरूरी गल सी अपने को, हाँ बहुत जरूरी सवाल जिहड़ा रह गया सी अपना कि जे असी रागों की गल करते हैं प्रमुख राग ने 31 उन्होंने जिहड़ा गौड़ी राग है इहदियां सब तो वध किस्म ने, सब तो वध किस्म किहड़े राग दियां ने, गौड़ी राग दियां ने जी। जिहड़ा मेरे ध्यान च आया वो 11 किस्म मिलदियां ने, एक जगह पर मैं 12 भी लिखिया हुई देखियां सीगियां, वह तसली जरूर कर लियो तुसीं कि 11 ने जां 12 ने, तकरीबन 11 आई सी गौड़ी राग दे विच सब तो वध किस्म, सब तो वध बाणी, ये भी ध्यान च रखना गा। होर कोई तुहाडे ध्यान च जानकारी होवे तुसीं टिप्पणी करके भी दस सकते हो, वैसे कोई कमी रह गई हुई साडे वल्लों वह भी तुसीं दस सकते हो। तो नवी वीडियो इस ढंग नाल लैके आउंदे रहांगे, चैनल नाल जुड़े रहो, वध तो वध वीडियो सांझी जरूर कर दिया करो क्योंकि बड़ी मेहनत नाल तैयार करदे आ वीडियो, काफ़ी जगह तो जानकारी इकट्ठी करन तो बाद उम्मीद है चैनल ना बने रहोंगे। नवी वीडियो नाल बहुत जल्द मिलते हैं, हंसते वसते रहो।